नमस्कार दोस्तों, टेकोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कोई भी कंपनी बनाने जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी या किसी भी तरह की आप कंपनी बनाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। क्योंकि अगर आप नए हैं कोई भी कंपनी बनाने में, या आप मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में भी आपने कोई भी कंपनी को बनाई है, तो आपको ये टर्म्स जानना जरूरी होगा, नहीं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स आएगी। तो किन किन टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे टर्म्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसा कि अभी स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ, जैसे MCA, MCA क्या होता है ये मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा COI, MOA, AOA, PAN नंबर, EPF, ESIC, आपकी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल या पेड अप कैपिटल किसको बोलते हैं, कंपनी का ऑडिटर किसको बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर किसको बोला जाता है, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट किसको बोला जाता है। तो इस तरह के जितने भी टर्म्स जब आप कंपनी बनाते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो इन सारे टर्म्स को मैं आज के वीडियो में कवर कर दूंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, सिंपल वे में, ताकि आपको समझ में आ सके, ताकि आपको कोई भी आगे चल के प्रॉब्लम भी नहीं हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताइएगा भी, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम लोग से कॉन्टेक्ट करें, तो हमारा जो ये टोल फ्री नंबर है आप इस पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप हमें इस नंबर पर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे ये जितने भी टर्म्स होते हैं कंपनी बनाने में, इनके क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या क्या ये डॉक्यूमेंटेशन है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती कहाँ है, किसी भी तरह की कंपनी, लिमिटेड कंपनी जो होती है वो कहाँ रजिस्टर होती है। तो दोस्तों, एक जो गवर्नमेंट की जो संस्था है, जिसको हम लोग बोलते हैं MCA, MCA जो है ये एक संस्थान है या एक मिनिस्ट्री है। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो ये जो मिनिस्ट्री है, ये अपनी जो गवर्नमेंट की एक संस्था है या गवर्नमेंट का एक पार्ट है, जहां पास आप कोई भी कंपनी बनाते हैं तो वहां इसका रजिस्ट्रेशन होता है। इन शॉर्ट, आपकी जो कंपनी होती है MCA में रजिस्टर होती है। तो ये सबसे पहला टर्म आता है जब कभी भी आप कंपनी बनाए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी कहाँ है, MCA में रजिस्टर्ड है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा और भी अलग अलग है, जैसे आपने सुना होगा उद्यम आधार, ठीक है, उद्यम आधार एक अलग विभाग है। इसी तरीके से अगर जो लाइसेंस होते हैं, लाइसेंस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन जो कंपनी रजिस्टर होती है वो MCA में ही रजिस्टर होती है। चलिए ये बात तो कंप्लीट हो गई ना दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे जो दूसरा टर्म होता है कंपनी के विषय में, कि कंपनी किसको हम लोग बोलते हैं। नाम तो हम लोग ने काफी ले लिया है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि कंपनी किसको बोलते हैं। तो इन सिंपल अगर मैं आपको बात बताऊं, तो कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, कंपनी का डेफिनेशन ये होता है कि आप कोई भी हो, मतलब कि एक ऐसा समूह या फिर कोई आदमी, आजकल के समय में सिंगल मैन से भी कंपनी बनती है, या मिनिमम जो कंपनी बनाने के लिए, जैसे प्राइवेट कंपनी हम लोग बनाते हैं तो कम से कम दो लोग लेते हैं, दो लोग कंपनी के डायरेक्टर होते हैं अगर हम प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो, ठीक है। अगर पब्लिक कंपनी बनाते हैं तो कम से कम तीन लोग कंपनी के डायरेक्टर होते हैं। तो कंपनी क्या होता है, एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर कहाँ होता है, MCA में रजिस्टर होता है, और जिनका मेन काम क्या होता है, फायदे के लिए किसी बिजनेस को करना। जो कंपनी बना रहे हैं वो नुकसान के लिए हम नहीं बनाते, फायदे कमाने के लिए बनाते हैं।
तो ये जो कंपनी होती है, सिंपल भाषा में इसका डेफिनेशन यही होता है। अगर आप सीए की भाषा में जानेंगे तो काफी चीजें इसमें आएगी, तो मैं उसके विषय में आपको यहाँ डेफिनेशन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि आप कंपनी बना रहे हो कंपनी चलाने के लिए, ठीक है। आपको स्टडी से ज्यादा जो है उसकी प्रैक्टिकल रूप आपको जानना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या है, एक ऐसी संस्था है या एक ऐसा वर्चुअल पर्सन है जो कि एमसीए में रजिस्टर होता है, और इनका मेन पर्पस होता है फायदा कमाने के लिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग आगे जाते हैं। आपने यहाँ दो टर्म्स मैंने बताया, पहला बताया, क्या बताया मैंने, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। पहला जो टर्म है एमसीए, और दूसरा जो मैंने बताया आपको इसका मतलब होता है कंपनी, ठीक है, कंपनी बन गई। अब दोस्तों जब कभी भी आप कोई भी कंपनी बनाते हैं तो उसकी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है, जिसके विषय में मैंने वीडियो भी बनाया था, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो आइडेंटिफिकेशन नंबर को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास जो तीसरा टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं सीआईएन नंबर। सीआईएन नंबर क्या होता है? तो जब कभी भी कोई भी कंपनी आप बनाते हैं एमसीए में रजिस्टर करते हैं, तो वहां से एक आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। यहां पास मैं आपको दिखा भी रहा हूं, जो कि आपको सीआईएन नंबर या माने जो कंपनी का सीआईएन नंबर क्या है वो मैं यहाँ दिखा भी रहा हूँ। तो यहाँ मैं पहले इसका डिफाइन देता हूँ, इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर का मतलब होता है कि आपने जो कंपनी रजिस्टर की है तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीरियल नंबर मिला है, जहां से मालूम चलता है कि हाँ ये कंपनी रजिस्टर है। और इसके विषय में अगर आपको ज्यादा जानना है तो हमारे YouTube में एक चैनल पे एक वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है सीआईएन नंबर के विषय में, जो आपको आई बटन पे दिखाई दे देगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। इन शॉर्ट इस कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर को कभी भी आप देखोगे तो आपको इसके विषय में, कंपनी के विषय में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। जैसे कि जो सबसे पहली जानकारी होती है कि वो जो कंपनी है वो अनलिस्टेड है या लिस्टेड है, पहली जानकारी तो ये मिल जाती है। दूसरा जो सीआईएन नंबर पे होता है वो होता है इंडस्ट्रियल कोड, माने गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कंपनी जब आप बनाते हैं तो क्या काम करते हैं, तो उस काम के लिए कोड निर्धारित किया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल कोड। तो वो भी उसकी भी जानकारी मिलती है। तीसरी जो इससे जानकारी हम लोग को मिलती है वो मिलती है कि कंपनी किस स्टेट में बनी है, मतलब कि जहां पास वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है किस स्टेट में वो कंपनी रजिस्टर हुई है, वो भी आपको यहाँ से जानकारी मिलती है। चौथी इसकी जानकारी मिलती है कि कंपनी कौन से साल में बनी है, ठीक है, ये इसकी से चौथी चौथी जानकारी मिलती है। और जो इससे पांचवी जानकारी मिलती है, कंपनी जो है पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, किस टाइप की कंपनी है, वो भी यहाँ से जानकारी मिलती है। इसमें जो छठी जानकारी मिलती है कि वो सीरियल नंबर, मतलब कि जो एमसीए में रजिस्टर हुई है उसमें उस कंपनी की क्या सीरियल नंबर है। और एक तो ये आपका सीआईएन नंबर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आपको जाते हैं सीआईएन नंबर के बाद, जब कभी भी हम लोग कंपनी बनाते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं तो उसमें एक सर्टिफिकेट होता है सीओआई। तो ये सीओआई क्या होता है, कंपनी में इसका क्या रोल है? तो दोस्तों कंपनी आप रजिस्टर कर रहे हो तो आपको सीआईएन नंबर मिला, तो ये तो हवा में तो नहीं मिलेगी, ये एक डॉक्यूमेंट पे लिख के आती है। इस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं या सर्टिफिकेट को बोलते हैं सीओआई, इसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इन कॉर्पोरेशन, माने कि आपकी कंपनी बन गई है, ठीक है, और ये कंपनी का क्या है सर्टिफिकेट है। जैसा कि अभी आपको यहाँ पास दिखाई भी दे रहा होगा, मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए एक सीओआई को लगाया भी है, जो मेरी खुद की कंपनी का सीओआई है, जिसमें कि कंपनी का नाम होता है। अगर आप देखेंगे सीओआई तो उसमें कंपनी का पूरा डिटेल्स होता है, कंपनी का नाम होता है, कंपनी का एड्रेस होता है। तीसरा चीज जो मैंने अभी यहाँ बताया कंपनी का सीआईएन नंबर, तो कंपनी का इसमें सीआईएन नंबर लिखा हुआ होता है, तो यहां से कंपनी का सीआईएन नंबर इसी में लिखा हुआ होता है। चौथी जो चीज होती है कंपनी का पैन नंबर,
कंपनी का टैन नंबर, तो ऐसे बहुत से इंफॉर्मेशन जो होते हैं कंपनी के COI में होते हैं। COI अगर आपकी कंपनी बनी है, आपके पास COI नहीं है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके पास जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या असली डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपकी कंपनी बनी है। तो COI आपके पास में होना जरूरी है, आपको अपने ऑफिस में अपनी कंपनी का COI लगाना चाहिए, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। और उसमें सारा कुछ इंफॉर्मेशन होता है, COI जो दिखाई देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पास मैंने COI का एक फोटो लगाया है जो कि इस तरह से COI दिखाई देता है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो कंपनी हम लोग बनाते हैं, जो उसमें सबसे मेन चीज इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी का MOA, MOA, तो ये भी कंपनी का बहुत ही मेन डॉक्यूमेंट होता है। जब कभी भी कंपनी बनाएंगे तो आपको MOA सर्टिफिकेट मिलेगा ही, इसके बिना कंपनी नहीं बनेगी। अब ये MOA क्या होता है, अब दोस्तों यहाँ पास आपको शॉर्ट में मैं बताऊं, देखिए अभी आपने क्या किया, अपनी कंपनी बनाई, मैंने एक मान लीजिए कंपनी बनाई खाना बनाने या जो फूड प्रोडक्ट की कंपनी बनाई, तो ये जो फूड प्रोडक्ट की कंपनी बनाई है, जब हम लोग गवर्नमेंट को रजिस्टर करने के लिए देते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट को बताते हैं कि हम लोगों ने फूड प्रोडक्ट की कंपनी बनाई, हमारे ये काम होंगे, ठीक है। तो आपने जो बातें अपनी कंपनी में क्या काम कर रहे हैं, कैसे होगा, इस जो सीधा एक्सप्लेनेशन है, ये बात आप गवर्नमेंट को बताते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में जो आपने बताया है उसका एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं MOA। MOA का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये होता है MOA का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 4-5 पेज का भी हो सकता है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने जो बातें किसको बताई है, गवर्नमेंट को बताई है, तो ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है, माने आपके और गवर्नमेंट के बीच में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको MOA बोलते हैं आपके काम के विषय में। नाउ दोस्तों नेक्स्ट हम लोग आते हैं AOA, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद नीचे आ गया है, तो AOA का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, मैं यहाँ पास दोनों चीज दिखा रहा हूँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मैं अपनी ही कंपनी का दिखा रहा हूँ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है आपके कंपनी के अंदर की बात, आपकी कंपनी के अंदर में कौन कौन है, आप हो, आपकी कंपनी के डायरेक्टर है, आपकी कंपनी के मेंबर है सेफ, और आपकी कंपनी के प्रमोटर है, तो ये सब आपकी कंपनी के इंटरनल जो मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसमें आप लोगों के बीच में किसी कोई काम होगा कैसे होगा, आप लोगों के बीच की जो बात होती है कि अगर कोई डायरेक्टर चेंज करना हो तो कैसे होगा, कोई डायरेक्टर अगर गबन कर देता है तो उसके साथ में क्या होगा, तो ये जो सारी चीजें बातें होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसका मतलब भी क्या होता है, कंपनी के इंटरनल बात होती है, तो ये भी क्या होता है कि इस सबमिट होता है, और जब आपकी कंपनी बनेगी तो आपके पास में COI, MOA, AOA ये बहुत ही मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कंपनी के अलग अलग डॉक्यूमेंट में, जो कि पैन नंबर होता है, टैन नंबर होता है, EPF, ESIC, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर, तो अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आपको जो है आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा कंपनी के विषय में, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कि कंपनी जब आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आपके पास में आपने देखा CIN नंबर आपको मिल गया, COI मिल गया, MOA मिल गया, AOA मिल गया, ठीक है। अब आपको जो नेक्स्ट चीज आती है वो है पैन नंबर, कंपनी का पैन नंबर और कंपनी का टैन नंबर। तो देखो दोस्तों पैन का फुल फॉर्म क्या होता है आपको भी पता है, आप सभी के पास में एक पैन कार्ड होता है, यहाँ पास मैं फोटो भी दिखा रहा हूँ, ये पैन नंबर, कंपनी का पैन नंबर कैसे होता है। तो पैन का जो फुल फॉर्म होता है उसको मैं मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है,
लेकिन इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, गवर्नमेंट अकाउंट नंबर, ये पैन का फुल फॉर्म होता है। जब कभी भी आप कंपनी बनाते हैं तो आपकी कंपनी का एक अलग से, यहाँ इस बात को ध्यान दीजिए, आपकी कंपनी का एक अलग से पैन नंबर इशू होता है जिसमें आपकी कंपनी का नाम होता है और एक नंबर होता है, जैसा कि यहाँ पास दिखाई भी दे रहा है। तो ये जो कंपनी का अकाउंट नंबर होता है या परमानेंट अकाउंट नंबर होता है या पैन नंबर होता है और ये जो पैन नंबर होता है, ये दोनों को ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, ठीक है। तो इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, पैन नंबर और टैन नंबर। तो पैन नंबर आपकी कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर हो गया है। अब हम लोग आएंगे दोस्तों टैन नंबर, टैन नंबर क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, जो टैन का फुल फॉर्म होता है, टैक्स डिडक्शन एक्शन अकाउंट नंबर। मतलब क्या होता है, टैन एक्चुअली होता क्या है, पहले उसको भी थोड़ा सा यहां बता देना चाहता हूं दोस्तों। जब कभी भी आप कोई भी कंपनी खोलते हो, ठीक है, कंपनी खोलते हो, आपके यहाँ एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉई को आप जब सैलरी देते हो तो उसमें से एक चीज का डिडक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टीडीएस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं TDS। TDS क्या होता है इसके विषय में कभी जानेंगे, लेकिन यहाँ पास आप बता दूं, TDS का शॉर्ट में फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब कि आपका जो टैक्स है वही कट जाता है जहां से आपका पैसा आ रहा है। तो आपके एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, अगर TDS कटता है तो ये TDS को आपने क्या किया, कलेक्शन किया, किससे किया, एम्प्लॉय के पेमेंट से, सैलरी से। तो उसको क्या करना होता है, आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है, जमा करना होता है। तो इसके लिए आपको जो नंबर इशू होता है और जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसको बोलते हैं टैन नंबर। तो टैन नंबर दिखाई देने में ऐसा है, मैं यहाँ पास दिखा रहा हूँ टैन नंबर, ये भी एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में आता है आपकी ईमेल पे। अगर आपने कंपनी रजिस्टर की है तो आपकी ईमेल पे टैन नंबर भी आ जाता है और पैन नंबर भी आ जाता है, जो दिखने में ऐसा होता है। तो यहाँ पास, यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जाना पैन टैन को भी, हम लोगों ने यहाँ पास जान लिया। नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन होती है जब कंपनी हम लोग बनाते हैं, इसको बोला जाता है EPF एंड ESIC रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो दोस्तों होता क्या है कि ये भी रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय से संबंधित है, कि EPF का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो दोस्तों आपके यहाँ अगर एम्प्लॉय है 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है, तो आपको, आप उसको सैलरी दे रहे हैं, और सैलरी देने में क्या होता है कि एक नियम बनाया गया है जो एम्प्लॉय के हक में होता है, कि उनका जो सैलरी का कुछ पैसा काट के आपको भी कुछ उतना ही पैसा देना होगा, और जो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में जमा करना होगा। तो इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है आपके मेल पे। तो ये भी जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो भी आपको ये भी मिलता है। और दूसरा जो होता है ESIC, इसको बोला जाता है एम्प्लॉई स्टेट। देखो अगर स्पेलिंग कहीं गलत होता है तो देख लेना यार, छोटा मोटा चीज है। तो ESIC का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉई स्टेट इन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो एम्प्लॉई के इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इसके विषय में अगर वीडियो बनाऊंगा तो आधा घंटा का वीडियो और बन जाएगा, लेकिन अभी इसके विषय में खाली इतना जानिए कि जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो पैन टैन EPF ESIC रजिस्ट्रेशन आपको साथ में मिलता है ना दोस्तों। इसके अलावा और भी जो टर्म्स है जो कि आपके जानना जरूरी है जब भी आप कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि नहीं जानने से क्या होता है कि आपको बहुत हेवी पेनल्टी होती है। जैसे कि अगर आपके पास में 10 नंबर नहीं है तो आपको हेवी पेनल्टी हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, जो जब कभी भी कंपनी बनती है तो ये जितने भी जो चीजें हैं, ये अभी तक मैंने जो भी बातें बताई है, ये जितने भी सर्टिफिकेट है, ये जब कंपनी आप बनाते हैं तब आपको मिलता है। अब देखो, जब आपने क्या किया, कंपनी बना दिया, कंपनी बना दिया आफ्टर इनकॉर्पोरेशन,
कंपनी बनाने के बाद है, कंपनी बनाने के बाद। तो जब कभी भी आपने कंपनी बना लिया तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला है आपको जितने भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं सब आपको जमा कर देना चाहिए। अब देखिए इतना सब कुछ तो है, CIN, COA, MOA सब कुछ तो आपको बता दिया मैंने। अब ये जो डॉक्यूमेंट में क्या होते हैं, जो DIN नंबर, एक सर्टिफिकेट होता है जो कि DIN नंबर को लेके होता है, वो आपको ईमेल पे मिलता है कंपनी बनाने के समय। तो ये DIN नंबर के विषय में थोड़ा सा भी बता दूं नहीं तो आप कंफ्यूज होगा। तो ये इसका मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होता है DIN का फुल फॉर्म। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो आपके पास में ये नंबर होना जरूरी है। इसके विषय में भी मैंने एक वीडियो बनाया जो आई लिंक में है। अब अगर आपके पास में एक कंपनी, अगर आपको ये डाउट है कि मैं दूसरी कंपनी बना रहा हूं तो क्या मुझे दूसरी DIN नंबर देना चाहिए, तो नहीं। आपने एक बार जो DIN इशू कर लिया है वो लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगी, और जब कभी भी आप दूसरी कंपनी भी बनाओगे तो आपके पास में वही DIN नंबर ही चलेगा। क्लियर हो गया बात? अब देखो जब हम लोगों ने कंपनी बना ली तो आपको, आपने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिए। क्या क्या इकट्ठा कर लिए आपने? कंपनी का COI, MOA, पैन नंबर, टैन नंबर, ये सब सर्टिफिकेट है, ठीक है। इसके अलावा AOA, ठीक है, इतना आपने क्या क्या इकट्ठा कर लिया। अब इस सब डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, कंपनी बनाने के बाद बैंक में जाना है और आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। बैंक अकाउंट करेंट अकाउंट होता है। अब यहाँ पास बहुत से लोगों को सवाल होता है कि सर कौन से बैंक में, तो कोई सा भी बैंक में, आप जो सिविल कमर्शियल बैंक में आप अकाउंट खोलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब बैंक अकाउंट खुलता है, बैंक अकाउंट खोलने के बाद आपको क्या काम करना पड़ता है, तो बैंक अकाउंट जब आपने खोल लिया तो सबसे पहले जो कंपनी का आपने पेड अप कैपिटल, सॉरी यहां पास मैं भूल गया आपको ये दो चीज बताने के लिए, पेड अप कैपिटल क्या होता है और ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों जब कभी आप कंपनी बनाने जा रहे हैं, तो आपसे पूछता है, आपकी जो CA है वो पूछेंगे कि सर आपका जो है ऑथराइज कैपिटल क्या है, ठीक है। आपका ऑथराइज कैपिटल क्या है और आपका पेड अप कैपिटल क्या है, ये आपसे आपके CA पूछेंगे। तो यहां पास मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है, आपकी एक कंपनी हो गई, ठीक है। अब इस कंपनी में आपने जो पैसे लगाए ना, आपने मान लीजिए 1,00,000 रुपए लगाया, ठीक है। आप चाहते कि मैंने 1,00,000 रुपए लगाए लेकिन आने वाले समय में मुझे मेरी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होगी, तो वो पैसा मैं दूसरों से लूंगा, ठीक है। तो ये बातें जो है, ये बातें आपको किसको बतानी है, गवर्नमेंट को, कि भैया मुझे क्या है कि अभी अपनी कंपनी को 10,00,000 रुपए या 1,00,000 रुपए या 5,00,000, जो भी आपकी मर्जी है उतना का बनाना है, ठीक है। तो आप जितना पैसे की कंपनी बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसने पैसे की, जितने पैसे की, मतलब देखो कंपनी में तो पैसा कैश में नहीं रहता, कंपनी में ये जो पैसा होता है शेयर के फॉर्म में होता है। कोई भी कंपनी आप बनाते हैं ना तो पैसा जो है शेयर के फॉर्म में होता है। अगर आपने 1,00,000 रुपया दिया है तो कंपनी में 1,00,000 रुपए के शेयर रहेंगे, ठीक है, तो आपके 1,00,000 के शेयर हो गए। अगर 2,00,000 का है तो 2,00,000। तो इसी तरह से अगर आपने गवर्नमेंट को बोला कि मैं अपनी कंपनी की 10,00,000 रुपए की बनाना चाहता हूं, तो आपकी कंपनी में कितने के शेयर रहेंगे, 10,00,000 रुपए के, ठीक है। अब तो जो है ये हो गया, समझ लो आपका टोटल कैपिटल, ये आपका कितना हो गया टोटल कैपिटल, जितने की बात आपने गवर्नमेंट को बोली है। तो इसी जो टोटल कैपिटल को हम लोग बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, कि आपकी कंपनी में टोटल कितने पैसों की शेयर है, ठीक है। अब देखिए पेड अप कैपिटल क्या होते हैं, मान लीजिए कि 10,00,000 रुपए, 10,00,000 का आपने बोला कि हमारी कंपनी में शेयर रहेंगे, लेकिन मैं उसमें से केवल 1,00,000 का शेयर रखूंगा। तो आपने जितने पैसे, मैंने जो कंपनी की जो डायरेक्टर है या मान लीजिए कंपनी के जो प्रमोटर है, उसने कितने पैसे कंपनी में दिए हैं,
तो उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। अगर 10 लाख का आपने शेयर रखा है अपनी कंपनी में, आप उसमें 1 लाख रुपए का दे रहे हैं या 1 लाख रुपए का शेयर रख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपने 1 लाख रुपए पेड अप कैपिटल दिया है। ठीक है, शायद आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। तो ये ऑथराइज और पेड अप। तो जब कभी भी आप बैंक अकाउंट खोलने जाएंगे तो आपकी कंपनी का कितना पेड अप कैपिटल है, आपकी कंपनी का कितना पेड अप कैपिटल है, ये आपको उस कंपनी में जमा करना होगा। ठीक है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में, कंपनी में नहीं, बैंक अकाउंट में जमा करना होगा। ठीक है, अब बैंक अकाउंट में जमा करने के बाद जो होता है वो चीज मैं आपको बताता हूं। कंपनी में आपने क्या किया, बैंक अकाउंट में क्या जमा किया, जो भी आपका पेड अप कैपिटल था, जो भी आपका पेड अप कैपिटल था उसको आपने जमा किया। अब जमा करने के बाद आपको वहां से क्या निकालना होगा, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट आप निकालेंगे और फिर आप अपने सीए को देंगे, तो सीए जो है आपको इसमें इसके लिए अप्लाई कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमिशमेंट। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ कमिशमेंट जो होता है, इसका कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं होता है, ये आपको ईमेल पे मिलेगा इसका एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो ये काम आपको करना है अपनी कंपनी बनाने के बाद। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, इसके अलावा आपको जो है नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आपको अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट। देखो यहाँ जो जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक चीज याद रखो, ये अगर आप नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी होती है। तो ऑडिटर क्या होता है, अगर आपको यहाँ पास समझ में नहीं आ रहा है कि ऑडिटर क्या होता है, तो चलिए अभी मैं आपको ऑडिटर भी बता देता हूँ, ऑडिटर किसको बोलते हैं। ठीक है, आपको अलग अलग जगह में वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, एक ही वीडियो में मैंने सब चीज को एक्सप्लेनेशन किया है और शॉर्ट में किया है ताकि आपको समझ में आए ऑडिटर क्या होता है। अब देखो होता क्या है कि आप अपनी कंपनी चला तो गए हो, तो कंपनी का लेखा जोखा ये सब देखने वाला तो कोई आदमी होना चाहिए, तो ये कौन होगा, ये क्या होगा, कोई सीए होगा क्या, सब तो नहीं रास्ते में चलता हुआ कोई भी आदमी आपकी कंपनी का हिसाब किताब देखे। तो ये जो हिसाब किताब देखने वाला जो बंदा होगा उसको बोलते हैं उस कंपनी का ऑडिटर, जो कि सीए, जो कि आपको अपॉइंटमेंट करना है ना। दोस्तों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो टर्म बहुत ही इस्तेमाल होता है जो कि हम लोगों ने देखा है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, देखो फाइनेंशियल ईयर का सिंपल सा डेफिनेशन है, यहां पास मैं आपको बात बता दूं, 1 अप्रैल से कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और कब तक होता है, 31 मार्च। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो कंपनी का भी जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, क्योंकि कुछ कंप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो कि आपको फाइनेंशियल ईयर में भरने होते हैं, कुछ कंपनी कुछ जो होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के समय भरने होते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है और उसके हिसाब से आपको अपनी कंपनी की फाइलिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट जो चीज है वो हमने देखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने नाम भी सुना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का, ये बहुत ही जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानना, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं जानेंगे तो आने वाले समय में अगर आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं या कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो आपको ये चीजों में बहुत ही परेशानी होगी। होता क्या है कि आपने अपनी कंपनी में कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, आपकी कंपनी का जो कंप्लीट लेखा जोखा, कंप्लीट बोलते ना लेखा जोखा, अगर हम शॉर्ट में बोले हिसाब किताब बोलिए, लेखा जोखा बोलिए, फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, क्या आपका आउटपुट है, क्या इनपुट है, आपने क्या किया कंपनी में, तो ये जो सारा चीज का जो हिसाब किताब होता है इसको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, अगर आप लोन लेने जाते हो तो कोई आपका शकल नहीं देखेगा बल्कि आपकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा आपकी कंपनी का, उसके हिसाब से ही वो आपको लोन देगा, उसके हिसाब से ही वो आपकी मदद कर देगा या नहीं कर देगा। तो आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रखिए, ये अगर जितना मजबूत होगा
आप समझो कि आपकी कंपनी में लोग उतने, आपकी कंपनी उतनी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कोशिश की कि आपको बहुत सारे टर्म्स को एक ही वीडियो में बताने के लिए और क्या क्या चीजें होती है इसके विषय में मैंने अलग अलग वीडियो भी डाले, तो जो आप आई लिंक में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको और भी ज्यादा जानना है तो आप देखिए यहाँ नीचे में फ्लैश हो रहा है नंबर, तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन या किसी भी तरह के आप एडवाइस के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पसंद आ गया तो लाइक शेयर कीजिए और कोई भी सवाल होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका बिजनेस काफी अच्छे से प्रोग्रेस करे। धन्यवाद।